Audio Jungle. लखीसराय में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से की प्रार्थना। ज्येष्ठ माह के सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर सोमवार को सुहागिनों द्वारा वक्त सावित्री पर अपनी सुहाग को कामयाब रखने व पति के लंबे उम्र के साथ स्वस्थ जिंदगी की कामना के साथ पूजा अर्चना कर ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर के पुरोहित जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार का दिन सौभाग्य पाने का दिन होता है। भोलेनाथ के इस दिन पड़ने वाले हर व्रत और पूर्व का बहुत महत्व होता है, इसलिए इस दिन की पूजा अर्चना करने से जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। उन्होंने बताया कि वट वृक्ष पूजा एक जमाने में राजकुमारी सावित्री द्वारा अपने पति के धर्मराज यमराज के द्वारा मृत्यु उपरांत प्राण लौटाने में सफलता के स्मृति में मनाए जाने की परंपरा है। इसके साथ ही मान्यता है कि वट वृक्ष के जंग में भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, तने में पालन करता भगवान विष्णु व तने एवं पत्तियों में भगवान शिव का निवास होता है, जिससे वट वृक्ष पूजा में त्रिदेवों की एक साथ पूजन हो जाती है, जो अति फलदायी होता है। उन्होंने बताया कि कथा के अनुसार सत्यवान के प्राण ले जाते समय धर्मराज यमराज से सावित्री अपने पति के प्राण को लौटाने की विनती करती है, परंतु धर्मराज जब किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और प्राण लौटाने के अलावे कोई भी नहीं मांगे अन्य वरदान देने को तैयार हो जाते तो सावित्री ने अपने विवेक व चतुराई के आधार पर पुत्रवती होने का तने में कच्चे सुत बतौर पति के रक्षा सूत्र की मनोकामना के साथ पूरे निष्ठा के साथ बांधती है और पूजा अर्चना करती है। बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी।